हालात ऐसे कर दिए उन्होंने कि हम कुछ शब्द जो हम बोलना चाह रहे हैं हम नहीं बोल पा रहे हैं। सुनेगा कौन? नहीं बोलेंगे सर, सुनेगा कौन? गूंगी बहरी सरकार है सर, किसको सुनाए, किसको सुनाए? जो एक निवाला दे सकती है वो छीन कैसे सकती है? एक महिला सुरक्षा के लिए हमें लगाया गया, उसके बाद महिला सुरक्षा को लिए लगाया गया है तो महिलाओं के साथ ही ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, तो महिला सुरक्षा लगाने का फायदा क्या है? किसी को इमरजेंसी आ जाती है उस हालात में ये बस नहीं रोकते, नहीं रोकते, डिटेन करके लेके गए तो उस बीच में एक महिला बेहोश हो गई थी, उसको होश तक नहीं आया था, लेकिन इन कुत्तों ने बस नहीं रोकी, दिल्ली पुलिस ने। जब ये एक तरफ से ये कहती है कि सिविल डिफेंस हमारे कंधे से कंधा मिला के काम करती है, तो आज ये इनको हमारे दुख में शामिल होना चाहिए या हमारे दुख का कीड़ा बनना चाहिए? टोटल मार्शल 16,000 है जिसमें 4,000 होमगार्ड के भी हैं। अच्छा, तो आज उनकी हालत है कि उनको 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया, लेकिन 6 महीने बाद उनका भी यही हाल होगा जो सिविल डिफेंस का हो रखा है। लेकिन वो लोग तो नहीं, हमें एक टॉफी दे रहे हैं कि आपको होमगार्ड से हटा के, इसमें सॉरी सिविल डिफेंस से हटा के होमगार्ड में कर देंगे। अरे तुम जो होमगार्ड को ही 6 महीने का देके उसको इसी रोड पे ला रहे हो, होमगार्ड के भी 7 महीने से सैलरी नहीं आई है, तो तुम ये बताओ ना हमें कौन सी टॉफी दे रहे हो? 2019 से और अचानक से हटा दिया गया, ये मतलब कुछ बताया उताया नहीं कि आपको कब से हटाना है, कब से क्या करना है। एक प्राइवेट भी जॉब करते हैं कोई भी नॉर्मल सी, तो वो भी बताते हैं कि आपको अगले महीने या 2 महीने बाद आपको हटाया जाएगा। इन्होंने एकदम अचानक सी 31 अक्टूबर को लास्ट में आ गया लेटर कि आप लोग को हटा दिए बिना बताए कुछ नहीं। उसके पहले आप लोगों को सैलरी भी नहीं मिल रहा? पहले हमें सैलरी 5 महीने से नहीं मिल रही थी, जून से तो आप लोगों ने सैलरी के लिए आंदोलन शुरू किया कि हमें सैलरी मिलनी चाहिए, सैलरी मिलनी चाहिए, तब से हुआ है। क्या मांग करती हैं आप? मैं ये मांग करती हूँ केवल हमारी जैसे सैलरी आपने दे दिए, हमें और कोई लड़ाई नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं किसी से, कोई भी सरकार हो। मेरा ये मांग है कि मेरा रोजी रोटी जो था जिससे हम बच्चे पाल रहे थे, और हमारे बच्चे को मेरे अलावे धरती पे दुनिया में कोई है ही नहीं, मैं कमाऊंगी तभी हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे, खाना खा पाएंगे, नहीं तो हमारे बच्चे को कोई नहीं है। जाऊंगी, मैंने बच्चे को घर में कसम खा के आई हूँ कि मैं आऊंगी आपस तो मैं अपनी नौकरी लेके आऊंगी, नहीं तो मैं तुम्हें शकल नहीं दिखाऊंगी, तुम्हें जैसे जीना होगा उसे जी लेना। किस मकसद से बैठे और कब से बैठे? सबसे पहले सवाल कि पहले तो सैलरी नहीं मिल रही थी, सैलरी देने का वादा करके उनको नौकरी से हटा दिया गया। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिर दिन भर तो रहती हैं, रात में शायद रहती है नहीं, ये भी पूछेंगे, और कब से हटाया गया है और कैसा चल रहा है इनका जीवन काल, क्योंकि 10 दिन करीब होने जा रहा है और तब से सड़क पर ही बैठे हैं। पुलिस आती है, इनको धमकाती है और भगा देती है, यहाँ से बोलती है कि तुम्हारा अधिकार नहीं है प्रोटेस्ट करने का। ऊपर से केजरीवाल हो गए और LG, जो दोनों आपस में झगड़ा करने में लगे हैं कि ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, और BJP पर आरोप लगा रहे केजरीवाल कि ये काम BJP ने किया है। जनता से पूछते हैं, जनता नहीं, जनता से मैंने पूछ लिया, अब प्रॉपर महिलाओं से पूछेंगे, क्योंकि ये भी काम करती थी, ये भी उतना ही ड्यूटी करती थी जितना कि एक पुरुष ड्यूटी देने में कारगर साबित हो रहा था। पहले अपना नाम बता दीजिएगा। दीपा देवी। दीपा देवी कब से काम कर रही थी इस फील्ड में? मैं इसमें कर रही थी 2019 से। 2019 से और अचानक से हटा दिया गया, ये मतलब कुछ बताया उताया नहीं कि आपको कब से हटाना है, कब से क्या करना है। एक प्राइवेट भी जॉब करते हैं कोई भी नॉर्मल सी, तो वो भी बताते हैं कि आपको अगले महीने या 2 महीने बाद आपको हटाया जाएगा। इन्होंने एकदम अचानक सी 31 अक्टूबर को लास्ट में आ गया लेटर कि आप लोग को हटा दिए बिना बताए कुछ नहीं। उसके पहले आप लोगों को सैलरी भी नहीं मिल रहा? पहले हमें सैलरी 5 महीने से नहीं मिल रही थी, जून से। तो आप लोगों ने सैलरी के लिए आंदोलन शुरू किया कि हमें सैलरी मिलनी चाहिए। तो मैं 27 तारीख से मैं यहीं पे हूँ, दिन और रात में भी यही रहती हूँ। और हमारे लिए जो टॉयलेट है सरकारी, वो सरकारी टॉयलेट को ये लॉक कर देते हैं कि महिला परेशान हो जाए, दुखी हो जाए, ये अपना घर चले जाए, अपने घर चले जाए, डराने धमकाने का पूरा कोशिश किया जा रहा है। और हमें ये 2 बार उठा के जेल भी ले गए, जेल भी ले गए घिसेट के, बाकायदा घिसेट के, लाठी चार्ज करके। मैं यहाँ पे सोई हुई थी बेडशीट ओढ़ के, चादर फादर था ही नहीं कुछ, तो इन्होंने क्या किए, आए और आने के बाद ये होता है कि चलो जेंट्स है कि लेडीज है, कम से कम अपना फर्ज निभाते हैं। मेरा तो कम से कम मुंह उघार के देखते कि कौन है, जेंट्स है लेडीज है, ऐसे लात मारे कि मुझे जो अभी बहुत बड़ा ऑपरेशन हो रखा है, रसोली हो गई थी तो बच्चेदानी का ऑपरेशन हो रखा है, 14 टका पड़ा पेट में। दिल्ली पुलिस ने आए और यहाँ के SHO जो थे, बीट वाले थे, तो लात ऐसे मारे, तो उनको पता नहीं था कि मेरा पेट है या पीठ है क्या है, तो लग गया था। तो मैं जब जेल से छुट्टी तो उसके बाद मैं यहाँ पे नहीं आ पाई, सीधे मैं हॉस्पिटल पहुँच गई। हाँ, दिन और रात में ये सब हुआ है जब से केजरीवाल जी का ये बयान आया कि आपको हटाया जा रहा है, LG का साइन किया हुआ हस्ताक्षर बाहर आया। हाँ, तब से हुआ है। क्या मांग करती हैं आप? मैं ये मांग करती हूँ केवल हमारी जैसे सैलरी आपने दे दिए, हमें और कोई लड़ाई नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं किसी से, कोई भी सरकार हो।
मेरा ये मांग है कि मेरा रोजी रोटी जो था जिससे हम बच्चे पाल रहे थे, और हमारे बच्चे को मेरे अलावे धरती पे दुनिया में कोई है ही नहीं, मैं कमाऊंगी तभी हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे, खाना खा पाएंगे, नहीं तो हमारे बच्चे को कोई नहीं है। आप 2019 से काम कर रहे थे? हाँ। आपकी उम्र क्या है? हमारी उम्र अब 34 हो गई। 34 हो गई। आपको कहीं और जॉब करने का भी शायद नहीं छोड़ा सरकार? हाँ, कहीं की नहीं छोड़ा। किसे मानते हैं जिम्मेदार, केजरीवाल या एलजी को? मैं जैसे कि पहले तो मांग करूंगी केजरीवाल को, इसलिए मांग लगाया था उन्होंने, उन्होंने लगाया था। अब उनका जो है जो भी कारोबार था, सुनने मारा केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि हमारे एलजी साहब ले लिए, तो मेरा ये कहना है कि आप दोनों की लड़ाई में हमें ना पीसे, हमें ना घिसेटे। हमारी जो नौकरी है, मैं थी बस मार्शल, बस मार्शल डीटीसी कर दो मुझे, मुझे ना तो अब चाहिए सिविल डिफेंस का बिल्ला लगा हुआ, ना तो चाहिए मुझे होमगार्ड का, मैं थी बस मार्शल, तो मुझे बस मार्शल डीटीसी कर दो, मैं अपना जहाँ थी मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी, आपका सारे कुछ है डीटीसी में, मैं डीटीसी की तरफ से अपना करूँगी, उसमें तो सुरक्षा चाहिए ही चाहिए, ये तो आप मुझे उसी में डाल दो जितने हम लोग लगे हुए थे। अच्छा, कितनी महिलाएं काम कर रही थी इस फील्ड में, मतलब कुछ आइडिया है आपको? 10,792 लोग टोटल है? टोटल है। उसमें महिलाएं कितनी थी? महिलाएं उतनी गिनती तो नहीं हुई है, लेकिन महिलाएं ज्यादा से ज्यादा महिला ही है, ज्यादा महिलाएं, ज्यादा महिलाएं, महिलाओं को सुरक्षा के लिए लगाया गया, लगाया गया था, तो ज्यादा इसमें महिला है, पुरुष कम है, पुरुष कम थी। हाँ, तो मेरा ये मांग है कि हमारी नौकरी जो है, नौकरी मेरे आपस कर दें, और इनसे मुझे कोई लड़ाई नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं, और जब तक नौकरी आपस नहीं करते तब तक तो हम यहीं पे बैठे रहेंगे, उसके लिए मैं मर जाए जितना दिन रहना पड़े। 27 से मैं यहाँ पे पड़ी हूँ, मैं मर भी जाऊँगी तो मैं यहीं मरूंगी, घर नहीं जाऊँगी। मैंने बच्चे को घर में कसम खा के आई हूँ कि मैं आऊँगी आपस तो मैं अपनी नौकरी लेके आऊँगी, नहीं तो मैं तुम्हें शकल नहीं दिखाऊँगी, तुम्हें जैसे जीना होगा उसे जी लेना। ये मैं इतना बड़ा मैं वादा करके बच्चे से आई हूँ, और मैं यहीं पे क्या करती हूँ कि अपना जो है जैसे कि मेट्रो वाली, उसमें कहीं के जा करके अपना नहा धो लेती हूँ, फिर मैं यहीं आ जाती हूँ, घर नहीं जाती हूँ। आंदोलन में मैं यहीं शामिल हूँ जब तक मांग पूरा नहीं होता। हाँ, मैं हॉस्पिटल भी गई, इलाज करवाई, मेरी तबीयत सही हुई, फिर मैं यहीं आ गई, मैं घर नहीं गई। मैं बच्चे को कैसे मुँह दिखाऊँ, मैं कहाँ से लाऊँ बच्चे का? मेरे बच्चे का पढ़ाई रुक रहा है, पढ़ाई वाले ने नाम काट दिया, हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे उसका नाम कट गया, लड़की का भी लड़का का भी। ये मांग आपका केजरीवाल से होना चाहिए ना? हाँ। कि क्योंकि लगाया था उन्होंने लगाया था। कहने का मतलब मेरा ये कि जो जन्म दिया मेरी माँ बाप जो है, पहले तो मैं अपनी माँ बाप से मांगूंगी, ये तो है नहीं मैं पड़ोसी से ताऊ चचा से मांगूंगी। जब हमारी माँ बाप बोल देंगे हमारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारा दादा दादी के पास है, तभी तो मैं दादा दादी से मांगूंगी। केजरीवाल क्लियर कर दे, क्लियर कर देना कि बोल मेरे पास नहीं है उनके पास, कम से कम एक बार बीच में ताके बोलो, या तो मीडिया थ्रू बोल दो मुझे कि मेरे पास नहीं, आप एलजी साहब से मांगो, फिर मैं आपको छोड़ूं, फिर एलजी साहब से मैं मांग करूं कि इसमें हमारी क्या गलती है साहब, आप बता दो मुझे, मेरी तो नौकरी थी, मैं नौकरी कर रही थी, तो मेरा गुनाह क्या है इसमें? सुरक्षा करना गुनाह तो है नहीं, तो हमारी नौकरी आप दे दें, बस हमारी यही विनती है। नौकरी फिर वापस मिल जाए, सिर्फ नौकरी और कुछ नहीं, बस SIPF जो होती है हमारे वो दे दें। काफी लोग, कुछ लोग रात रात बैठ रही है और दिन दिन भर रहती है यहीं पे, और आगे भाषण भी दे रहे हैं लोग कि रहना है, शांति से बैठिए और जब तक मांग पूरी नहीं होती है तब तक यहीं पर रहेंगे। अभी एक से बात किया मैंने, बता रही थी कि हालात ऐसे कर दिए उन्होंने कि हम कुछ शब्द जो हम बोलना चाह रहे हैं हम नहीं बोल पा रहे हैं। सुनेगा कौन? नहीं बोलेंगे सर, सुनेगा कौन? गूंगी बैरी सरकार है सर, किसको सुनाए, किसको सुनाए? जो एक निवाला दे सकती है वो छीन कैसे सकती है? एक महिला सुरक्षा के लिए हमें लगाया गया, उसके बाद महिला सुरक्षा के लिए लगाया गया है तो महिलाओं के साथ ऐसे व्यवहार कर रहे, तो महिला सुरक्षा लगाने का फायदा क्या है? महिलाओं के साथ ही तोहिन की जा रही है, हमारा शोषण किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? अगर वो हमें निवाला दे रहे थे तो आज छीनने का अधिकार उनको नहीं है। या तो किसी को निवाला दो मत, और दो रहे तो इसको ऐसा बेबस मत करो कि आज वो रोड पे आके प्रोटेस्ट करें। दिवाली के समय में, दिवाली नहीं सर, पिछले एक साल से हम ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, पिछली दिवाली और अभी ये दिवाली। पिछले साल भी हमारी ऐसे सैलरी रोक दी गई थी, अब दोबारा फिर इन्होंने 3 महीने करके, उसके बाद 6 महीने से हमारी लगातार सैलरी रुकी हुई थी, अब दिवाली आ गई, हमारे सारे के सारे त्योहार ऐसे ही फीके गए हैं। किसे जिम्मेवार मानती है इस चीज के लिए? मैं सर ना केजरीवाल सरकार को कह रही, ना बीजेपी सरकार को, बस मैं ये कह रही हूँ हमारे दिल्ली में जो भी सरकार है, जो भी ये अपने मतलब कि ये अभी ये कह रहे हैं कि इसमें जो आपकी वैकेंसीज जो आई थी ये 1968 के तहत एक मतलब इसमें कुछ खामियां हैं सर, वो खामियां क्या उनको 2016 या 17 या 15 से पहले दिखाई नहीं दे रही थी? या उनके कानों में जो जू रहेंगी है वो अभी रहेंगी है? या पढ़ी लिखी सरकार वो अभी कोई एक्ट निकाल के आई है, उनको अभी कोई डिग्री मिली है जिससे ये पता चल गया कि इसमें कोई संशोधन नहीं है, ये कहीं ड्यूटी नहीं कर सकते, ये सिर्फ आपदा के समय यूज होंगे? क्या अभी सारी चीजें उनको अभी दिखाई दे रही है? यहाँ पे कब से बैठे हैं? यहाँ पर हम 27 तारीख से बैठे हैं सर, दिन और रात बैठे हैं। परेशानियों का सामना कर रहे हैं? परेशानियों का सामना सर हम बस
क्या बताऊं सर, हमारी जो सार्वजनिक सेवाएं है ना सर, मैं वो कह रही 24 घंटे में जो आप बता रहे हो, जो हमारी मूलभूत सेवाएं हैं हमें वही नहीं मिल पा रही। बाथरूम को भी लॉक कर दिया। हाँ सर करते हैं, पुलिस परेशान करती है, प्रशासन करता है। 2-2 घंटे पे आती है कि हट जाओ नहीं तो जेल आती है सर, हमें डिटेन कर लिया जाता है, आती है जेल हो के आई है वो बताइए। हाँ सर डिटेन कर लिया जाता है, 2 बार बवाना थाने में डिटेन करके ले गए हमें, जबकि बसुलुकी करती है, लड़कियों का फोन तक इन्होंने छीन लिया, बाथरूम के लिए इन्होंने हमारे मार्शल भाइयों ने बोला कि तुम हमें डिटेन करके ले जा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं, हमने हमें परमिशन लेके कर रखा है, अगर तुम उसी से एग्री नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, आप अपना काम कीजिए, लेकिन अगर किसी को इमरजेंसी आ जाती है उस हालात में ये बस नहीं रोकते, नहीं रोकते, डिटेन करके लेके गए। तो उस बीच में एक महिला बेहोश हो गई थी, उसको होश तक नहीं आया था, लेकिन इन कुत्तों ने बस नहीं रोकी, दिल्ली पुलिस ने। जब ये एक तरफ से ये कहती है कि सिविल डिफेंस हमारे कंधे से कंधा मिला के काम करती है, हाँ। तो आज ये इनको हमारे दुख में शामिल होना चाहिए या हमारे दुख का कीड़ा बनना चाहिए। कब से काम कर रही थी इस फील्ड में आप? मैं सर इसमें से 7 साल हो गए थे मेरे को। 7 साल से? जी सर। कब ज्वाइन किया था? सर मैंने 16 में कर लिया था ज्वाइन। 16 में जी। अभी उम्र क्या हो रही है आपकी? मेरी 37 है। 36? 30 साल है सर। 30 साल। चलिए सुन लिया बात मैंने, 30 साल उम्र है, करीब 6-7 साल से काम करे और अचानक से किसी को हटा दिया जाए तो इस तरह की फ्रस्ट्रेशन जरूरी है और जाहिर सी बात है निकलेगा, क्योंकि अचानक से किसी का जॉब से निकाल देना, किसी को निकाला भी जाता है तो कम से कम 2-3 महीने के लिए पहले बताया जाता है कि आपको जॉब से हटा रहे हैं, आपके कुछ बोलना चाह रही फिर से मैं आ रहा हूँ। हाँ मेरा सर ये कहना, जो ये कह रहे हैं 1968 के एक्ट में खामियाँ है जिसके कारण सिविल डिफेंस मार्शल या कहीं किसी भी डिपार्टमेंट में सिविल डिफेंस का बंदा जॉब नहीं कर सकता, तो इसके गुनहगार सीधे सीधे वो अफसर है जिन्होंने हमें वैकेंसी के लिए अथोराइज किया था कि इसमें अब तुम्हारी वैकेंसी निकली है तुम इसमें अप्लाई करो, तो इसकी जिम्मेवार सीधे सीधे वो सरकार होगी या वो डिपार्टमेंट के अधिकारी होंगे जिन्होंने हमें चुना गया था, ना कि उसकी सजा हमारे 16,000 भाइयों को दी जाए, बहनों को दी जाए, उनको ना देके उन्हीं प्रशासन को दी जाए जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। 16,000 कौन? 16,000 बस मार्शल है सर। नहीं सर 16,000 है, कौन कह रहा है? 792 लोग टोटल तो हैं आप सर, टोटल मार्शल 16,000 है जिसमें 4,000 होमगार्ड के भी हैं। अच्छा, तो आज उनकी यह हालत है कि उनको 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया, लेकिन 6 महीने बाद उनका भी यही हाल होगा जो सिविल डिफेंस का हो रखा है। लेकिन वो लोग तो नहीं, हमें एक ट्रॉफी दे रहे हैं कि आपको होमगार्ड से हटा के इसमें सॉरी सिविल डिफेंस से हटा के होमगार्ड में कर देंगे। अरे तुम जो होमगार्ड को ही 6 महीने का देके उसको इसी रोड पे ला रहे हो, होमगार्ड के भी 7 महीने से सैलरी नहीं आई है, तो तुम ये बताओ ना हमें कौन सी ट्रॉफी दे रहे हो? सिविल डिफेंस का बंदा होमगार्ड में जाएगा, नए सिरे से जाएगा, तो सर कोई भी क्वालिफाई नहीं कर पाएगा इस चीज को। तो आपसे केजरीवाल तो महिलाओं के लिए ज्यादा काम करते नहीं हैं सर, नहीं है, नहीं बसों है। में फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री सर, ये और से कुछ नहीं होता, फ्री की रेवड़ी देने से कुछ नहीं होता, हम जब माने कि इस काम को आगे पूरा करके दिखाए, अगर फ्री कर रहा है तो जिनको मिली है उनको मिली, अगर फ्री करते तो आज हम यहाँ रोड पे नहीं बैठे होते। आपको सैलरी देना चाहिए सर, नहीं एक बात बताओ ना, किसी भी अफसर की किसी भी अधिकारी की अगर 1 महीने की पेंशन रुकी हो, पेंशन उनकी आ रही है, सैलरी उनकी बराबर आ रही है, एक चपरासी तक की भी सैलरी नहीं रुकी है, तो हम तो बस में महिलाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, आज हमारी सुरक्षा कौन करेगा, आज हमारे साथ कौन खड़ा होगा, प्रशासन हमारे अगेंस्ट खड़ा होगा, आज हमारे साथ कौन खड़ा होगा?